युवा शक्ति संगठन के पदाधिकारियों ने सुपेला स्थित देशी और विदेशी शराब दुकानों को हटाने जिला कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा को ज्ञापन सौंपा। कलेक्टर ने भिलाई निगम आयुक्त को शराब भट्टी हटाने आदेशित किया है। सुपेला स्थित देशी और अंग्रेजी शराब दुकानों को हटाने युवा शक्ति संगठन के पदाधिकारियों ने कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में शराब दुकानों के कारण हो रही अव्यवस्था, शराब पी रहे लोगों द्वारा आवाजाही कर रहे लोगों से अनावश्यक रूप से उलझने, गाली गलौज करने के साथ आसपास के दुकानदारों को हो रही परेशानियों से अवगत कराया गया है। कलेक्टर को संगठन के पदाधिकारियों द्वारा शराब दुकानों को अन्यत्र हटाने स्थल की मांग को लेकर आबकारी मंत्री, संभाग आयुक्त, पूर्व जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने, आबकारी विभाग द्वारा लगातार जारी किए गए पत्र के संदर्भ में भी अवगत कराया गया है। कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा ने भिलाई नगर निगम के आयुक्त को शराब भट्टी को शीघ्र हटाने आदेशित किया है। ज्ञापन की जानकारी युवा शक्ति संगठन के पदाधिकारी मदन सेन, पारस जंगेल और जुनेद खान ने दी। बिला शराब भट्टी जो व्यस्त मार्ग पर स्थापित है और लगातार युवा शक्ति संगठन के माध्यम से हम लोग प्रशासन को अवगत करा रहे हैं और इसी परिस्थिति को देखते हुए हम लोग नए आयुक्त जो महोदय है उनको हम लोग ज्ञापन सौंपे थे, तो उन्होंने 15 दिन का समय मांगा था, लेकिन 15 दिन बीत जाने के बाद भी ये कार्रवाई नहीं हुआ, तो हम लोग कलेक्टर महोदय को पुनः इससे अवगत कराया और कलेक्टर साहब ने तुरंत कमिश्नर साहब को आदेश किया कि शराब भट्टी को आप अन्य जगह स्थानांतरित करें, यहाँ की जनता जो मांग कर रहे हैं, व्यापारी जो मांग कर रहे हैं उसको आप देखते हुए स्थानांतरित करेंगे। हाँ, कलेक्टर साहब का जो आदेश है वो तो एक IAS अधिकारी है और एक IAS को आदेश दिया है तो निश्चित तौर पर ये संभव है। संगठन के द्वारा विगत 1-2 सालों से जो प्रयास किया जा रहा है उसके परिणाम स्वरूप ये हुआ है कि आबकारी विभाग और प्रशासन सभी को तैयार हो गए हैं शराब भट्टी हटाने के लिए, परंतु नगर निगम भिलाई के द्वारा लेट किया जा रहा है और इस संबंध में हमने आयुक्त महोदय से कई बार चर्चा की, फिर उसमें ट्रांसफर हो गया चंद्राकर जी से चर्चा हुई थी, अब ब्याज जी जो आए हैं उनसे भी चर्चा हुई है और उस दिन कलेक्टर महोदय को हमने क्या ज्ञापन दिया तो स्पष्ट तौर पर कलेक्टर महोदय ने बोल दिया है कि हटाने के लिए। अब देखते हैं ये कब तक नगर निगम इसको देर करती है, पर एक चीज़ खुल के जरूर सामने आ रही है कि नगर निगम भिलाई नागरिकों के लेकर जागरूक नहीं है और वो इन सब कामों में जिससे नागरिकों को नुकसान हो रहा है, लोगों को परेशानियाँ हो रही हैं, उस पर ध्यान नहीं। अध्यक्ष मदन सिंह द्वारा जानकारी दी गई कि ये शराब भट्टी हटाने का कलेक्टर ने आयुक्त को बोला है, तो यहाँ मोहल्ले वाले में पता चला तो मोहल्ले के लोगों ने मदन को घेर लिया कि सही है क्या, तो बोले एकदम सही बात है, तो मोहल्ले की महिलाओं ने मिल करके मदन के वजन का मिठाई खरीद के मोहल्ले में बंटवाया है, इससे बड़ी और कुछ बात नहीं हो सकती। शराब भट्टी हटाने का खाली कलेक्टर ने आदेश बोला है खाली, उसमें इतना खुशी हुई है लोगों में, उससे आगे और क्या बोल सकते हैं। उम्मीद है जिस हिसाब से कलेक्टर महोदय ने मदन के बताए हिसाब से बोला जा रहा है जो कि हटाने के लिए आदेश किया कि जल्दी से जल्दी हटाया जाए, तो यही है कि उम्मीद है नए साल के पहले हट जाए, उम्मीद है। और अच्छे कलेक्टर महोदय अच्छे हैं जो इतना जानकारी लेकर के तुरंत करवा रहे हैं, जो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहरहाल कलेक्टर के आदेश के बाद से क्षेत्रवासियों में हर्ष है, जिसके लिए लोगों ने कलेक्टर का आभार जताया है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।